गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है नाइट्रोजनेज एंजाइम के ऊपर, जिसके अंदर हम ये सारे फॉलोइंग टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और नाइट्रोजनेज एंजाइम जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में, ठीक है। मेन फंक्शन इसका यही है कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो कन्वर्ट करेगा नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर, ठीक है। जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जो बना होता है दो मेन प्रोटीन से। पहली प्रोटीन का नाम है Fe प्रोटीन और जो सेकंड प्रोटीन है वो है MoFe प्रोटीन। हम दोनों प्रोटीन को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे Fe प्रोटीन को। जो Fe प्रोटीन है ये जो एक है डाइमर है जो आइडेंटिकल सब यूनिट की बनी होती है। इसके अंदर एक क्लस्टर प्रेजेंट होता है Fe4S4, जिसका जो वेट होता है वो 60 to 64 kDa होता है। इसका जो मेन फंक्शन है Fe प्रोटीन का वो है ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट सच एज फेरीडॉक्सिन और फ्लेवोडॉक्सिन टू MoFe प्रोटीन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है Fe जो रिड्यूसिंग एजेंट है फेरीडॉक्सिन और फ्लेवोडॉक्सिन से MoFe प्रोटीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना इसका मेन फंक्शन है। इसके बाद आता है MoFe प्रोटीन। जो MoFe प्रोटीन है इज़ अ हेट्रोटेट्रामरिक प्रोटीन, ठीक है। हेट्रोटेट्रामरिक यानी कि दो अल्फ़ा और दो बीटा, यहाँ पर ये अल्फ़ा सब यूनिट, ये नहीं है, ये अल्फ़ा है, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा कर लीजिएगा। 2 अल्फ़ा सब यूनिट एंड 2 बीटा सब यूनिट की बनी होती है। अल्फ़ा सब यूनिट आइडेंटिकल है, बीटा सब यूनिट आइडेंटिकल है, यानी कि 2 अल्फ़ा सब यूनिट 2 बीटा सब यूनिट। इसका जो वेट होता है वो 240 to 250 kDa होता है। ये कंटेन करती है 2 आयरन सल्फ़र क्लस्टर, जिसे पी क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। इसकी लोकेशन कौन सी होती है? इंटर सरफेस बिटवीन अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट। ये जो पी क्लस्टर है ये इंटर सरफेस में प्रेजेंट होता है अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट के, ठीक है। एज वेल एज 2 FeMo कोफैक्टर विद इन आ अल्फ़ा सब यूनिट, ये अल्फ़ा है ये नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, 2 FeMo कोफैक्टर प्रेजेंट होते हैं अल्फ़ा सब यूनिट के अंदर। अब देखो जो यहाँ पर पी क्लस्टर का कोर है वो बना होता है Fe8S7, यानी कि आयरन इसके अंदर 8 हैं और सल्फ़र 7 है। इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe4S3, ठीक है। यहाँ पर Fe4 का और S3 के 2 क्यूब्स होते हैं, ठीक है, जिससे पी क्लस्टर मिलके बनेगा। Fe4 के 2 यहाँ यानी कि 2 होंगे ना, Fe4 4 4 8 हो गए, तो यहाँ पर Fe पूरे हो जाते हैं। देखो 4 4 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 पूरे हो गए, लेकिन सल्फ़र यहाँ 3 प्रेजेंट है और ऐसे 2 क्यूब प्रेजेंट होंगे Fe4S3 के, तो यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 के साथ गुणा करो 2 की तो 6 होना चाहिए। यहाँ पर सल्फ़र 6 होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर 7 है, क्योंकि ये जो Fe4S3 के जो क्यूब हैं 2 ये कनेक्ट रहते हैं एक सेंट्रल सल्फ़र एटम से, ठीक है। इसे कहते हैं हम पी क्लस्टर। ये जो पी क्लस्टर है कोवलेंट लिंकिंग शो करता है MoFe प्रोटीन के साथ विद द हेल्प ऑफ 6 सिस्टीन रेसिड्यूज, ठीक। ये होता है हमारा पी क्लस्टर। देखो जो FeMo कोफैक्टर है ये जो FeMo कोफैक्टर ये प्रेजेंट था 2 FeMo कोफैक्टर प्रेजेंट विद इन अल्फ़ा सब यूनिट, ठीक है। जो FeMo प्रोटीन है वो 2 सब यूनिट की बनी थी, अल्फ़ा सब यूनिट 2 बीटा सब यूनिट। तो जो ये FeMo कोफैक्टर है ये प्रेजेंट होता है हमारे अल्फ़ा सब यूनिट में। इसके 2 FeMo कोफैक्टर प्रेजेंट इन अल्फ़ा सब यूनिट। यहाँ पर अब देखो ईच जो FeMo कोफैक्टर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, Fe7 प्रेजेंट होंगी, मोलिब्डेनम प्रेजेंट होगा सिंगल, और जो सल्फ़र होगा वो 9 प्रेजेंट होगा और एक कार्बन प्रेजेंट होगा। कंसिस्ट ऑफ 2 नॉन आइडेंटिकल क्लस्टर Fe4S3, ठीक, एक पहला ये हो गया, एंड MoFe3S3 लिंक्ड बाय 3 सल्फाइड आयन। ठीक है, ईच FeMo कोफैक्टर इज कोवेलेंटली लिंक्ड टू द अल्फा सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ सिस्टीन रेसिड्यूज एंड वन हिस्टिडीन रेसिड्यूज। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ख़त्म होता है नाइट्रोजनेस एंजाइम का। इसके बाद आता है अल्टरनेटिव नाइट्रोजनेस एंजाइम। अल्टरनेटिव नाइट्रोजनेस एंजाइम और नाइट्रोजनेस एंजाइम में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो ट्रेडिशनल नाइट्रोजनेस एंजाइम है उसके अंदर जो कोफैक्टर प्रेजेंट होता है वो मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, जो मेटल है वो मोलिब्डेनम होती है नाइट्रोजनेस एंजाइम में, लेकिन जो अल्टरनेटिव नाइट्रोजनेस है उसमें मोलिब्डेनम के जगह पर कुछ और प्रेजेंट होता है। ठीक, इसलिए इसे अल्टरनेटिव नाइट्रोजनेस एंजाइम कहते हैं। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये जो एंजाइम है ये थोड़ा सा डिफरेंस शो करते हैं, बट ये भी जो नाइट्रोजन गैस है उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो हमारा आता है वो है वेनेडियम नाइट्रोजनेस एंजाइम। जो वेनेडियम नाइट्रोजनेस एंजाइम है वो कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज जैसे कि एजोटोबैक्टर, रोडोसूडोमोनास पैलूस्ट्रिस के अंदर या और एनावीना वेरिएबिलिस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये यानी कि वेनेडियम नाइट्रोजनेस एंजाइम सर्व एज अ अल्टरनेटिव पाथवे फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द कंडीशन वेयर मोलिब्डेनम द मेटल कोफैक्टर इज मोर कॉमन नाइट्रोजनेस एंजाइम इस डिफिशियंट। यानी कि अगर नॉर्मल जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है जिसके अंदर कोफैक्टर मोलिब्डेनम होता है वो एब्सेंट है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वेनेडियम नाइट्रोजनेस एंजाइम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और जो नॉर्मल नाइट्रोजनेस एंजाइम है उसके प्लेस पे वर्क करता है और अल्टरनेटिव नाइट्रोजनेस एंजाइम कहलाता है। ठीक है, जो वेनेडियम नाइट्रोजनेस एंजाइम है उसके पास 2 अल्फ़ा, 2 बीटा और 2 गामा सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेस एंजाइम होता है उसके अंदर 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, ये 3 नहीं, ये बीटा है। ठीक है, ये ए नहीं, ये अल्फ़ा है, तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर उसका होता है, MoFe प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट थे ना, तो ये उसी प्रोटीन को कंपेयर करके बताया है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। एट द जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर वेनेडियम नाइट्रोजनेस एंजाइम जो है वो लेस इफिशियंसी शो करता है कंपेयर टू मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करता है वो बहुत कम करता है। कंपेयर करेंगे अगर हम उसे तो मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेस एंजाइम से। मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेस एंजाइम नॉर्मल जो टेम्परेचर उस पर नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी कि रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब अच्छे से करता है, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है रूम टेम्परेचर पे वेनेडियम नाइट्रोजनेस एंजाइम की, वो अगर कंपेयर करें तो मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेस एंजाइम से तो वो बहुत कम है वेनेडियम नाइट्रोजनेस एंजाइम की एफिशिएंसी नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, लेकिन अगर इसमें एक फैक्ट है, अगर टेम्परेचर लो है जैसे कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहाँ पे जो वेनेडियम नाइट्रोजनेस एंजाइम है उसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो एक्टिविटी है वो 10 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है कंपेयर अगर करें तो मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेस एंजाइम से। तो वेनेडियम नाइट्रोजनेस एंजाइम 10 टाइम फास्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगता है कंपेयर टू मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेस एंजाइम, बट 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है तो वो इतनी फास्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, लेकिन अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब बहुत कम हो जाता है तो वो काफ़ी तेज नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जो सेकंड है वो है आयरन ओनली नाइट्रोजनेस एंजाइम। अब हम देखते हैं आयरन ओनली नाइट्रोजनेस एंजाइम। ये अनदर एग्जाम्पल है नाइट्रोजनेस एंजाइम का, अल्टरनेटिव नाइट्रोजनेस एंजाइम का, जहाँ पर कोफैक्टर आयरन प्रेजेंट होता है। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये भी कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये बहुत कम एफिशिएंसी शो करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। अब देखते हैं, इस स्लाइड में बताया गया है स्ट्रेटजी फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन को रेगुलेट करना पड़ता है अगर हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रॉपर ढंग से हमें करना है तो, क्योंकि देखो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसके अंदर एक एंजाइम मतलब ये नाइट्रोजनेस एंजाइम मेन रोल प्ले करता है। जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है वो सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के प्रति। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो नाइट्रोजनेस एंजाइम में डैमेज कॉज करेगी और जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, यानी कि वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने मैकेनिज़्म इवॉल्व करी अपने अंदर, ताकि वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में नाइट्रोजनेस एंजाइम का यूज़ करके नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पहली स्ट्रैटेजी यानी कि फिजिकल सेपरेशन मेथड। फिजिकल सेपरेशन मेथड के अंदर देखो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो ऑर्गेनिज्म है वो एक फिजिकल बैरियर बनाते हैं जिससे वो ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि इसमें बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया आते हैं, इन्होंने हेट्रोसिस्ट या स्पेशल कंपार्टमेंट बनाते हैं विद इन अ रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, तो जो रूट नोड्यूल होती है उसके अंदर ऑक्सीजन को रेगुलेट किया जाता है, ताकि वो रूट नोड्यूल की हेल्प से ही हम ऑक्सीजन को रेगुलेट करते हैं, ताकि ऑक्सीजन की जो डैमेज है वो हमारे क्या कहते हैं नाइट्रोजनस एंजाइम पे ना जाए। और जो इसमें हेट्रोसिस्ट होता है वो भी हेल्प करता है कि ऑक्सीजन की डैमेज हमारे नाइट्रोजनस एंजाइम पर ना हो। ठीक है, अगर डैमेज हो गई तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ही नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और नाइट्रोजनस एंजाइम को डैमेज से बचाते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है लेगहीमोग्लोबिन, जो प्रेजेंट होता है लेग्यूम नोड्यूल के अंदर। ये क्या करता है, बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन से और प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजनस एंजाइम को, उसकी मतलब प्रॉपर एक्टिविटी को होने देता है नाइट्रोजनस एंजाइम की। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ऑक्सीजन सेंसिटिव रेगुलेशन। ठीक है, इसके अंदर दो जीन हैं, nifL और nifA जीन। ये जो nifL और nifA जीन सिस्टम है ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और ये रेगुलेट करता है नाइट्रोजनस एंजाइम के प्रोडक्शन को। ऑक्सीजन के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मानो ऑक्सीजन ज़्यादा है प्रेजेंट, ठीक है, तो क्या होगा, जो nifL जीन है वो एक इनहिबिटरी प्रोटीन को सिक्रीट करती है। ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन है ये nifA जीन को इनहिबिट करती है। ठीक है, अगर ठीक है जो nifA जीन है वो इसेंशियल है नाइट्रोजनस एंजाइम की सिंथेसिस के लिए, बट ऑक्सीजन ज़्यादा है तो nifL जीन ने क्या किया, इनहिबिटरी प्रोटीन सिक्रीट की जिसने nifA जीन को के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर दिया। nifA जीन की एक्सप्रेशन इनहिबिट हुई तो nifA जीन ने क्या किया, नाइट्रोजनस एंजाइम की जो जीन है उसको उसकी जो एक्सप्रेशन है उसको भी प्रिवेंट कर दिया, तो नाइट्रोजनस एंजाइम का एक्सप्रेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब नाइट्रोजनस एंजाइम की जो जीन है उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा तो नाइट्रोजनस एंजाइम की सिंथेसिस भी नहीं हो पाती है। लेकिन क्या होगा, जब अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है या बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या होता है, nifL जीन जो इनहिबिटरी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता है। ठीक, अब nifL जीन ने इनहिबिटरी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करी तो nifA जीन ने वो इनहिबिट नहीं हुआ और nifA जीन ने फर्दर जो आगे है वो नाइट्रोजनस एंजाइम की जो जीन थी उसको इनहिबिट नहीं किया, उसका एक्सप्रेशन लगातार हो रहा है तो नाइट्रोजनस एंजाइम प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये था ऑक्सीजन सेंसिटिव रेगुलेशन जो nifL और nifA सिस्टम पर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर एंड होता है लेक्चर।